डियर स्टूडेंट्स आई एम हक लेक्चर इंग्लिश टीचिंग यू द राइटिंग स्किल्स दिस इज फॉर क्लास इज इलेवेंथ एंड टूल्थ बोथ दोनों क्लासों के लिए राइटिंग स्किल्स हैं यही क्वेश्चन क्वेश्चन पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम में आपको एलेवंथ में भी है और टवेल्थ में भी है तो uh, ये जो टॉपिक है हमारा सब टाइटलिंग ये तो आपको एलेवंथ बुक में मिलेगा इट इज़ पेज नंबर नाइन्टी नाइन लेकिन ट्वेल्थ में भी बराबर यही सब कुछ है एग्ज़ाम में तो इसलिए आपको इसके लिए तैयारी करनी है दोनों क्लासेस के लिए ना व्हाट इज़ दिस सब टाइटलिंग सब टाइटलिंग हम सबको पता है कि जो भी टॉपिक होता है उसकी एक हेडिंग होती है तथा नाव आसान टाइटल आसान टाइटल को आओ मिसाल अगर इसका ऐसे लिखो अगर सो अर्थ कोइस मुतल तथा पैठा लिखित अर्थ को कोइक सैन अगर हमालिया से मुतल पट टॉपिक लिखित आसान हमालियाज़ है ना ठीक या कहती स्टोरी आ टाइटल है, आसान तो हर चीज का टाइटल दिया होता है तो ठीक है यहाँ पर भी मान लो ये एक आर्टिकल है राइटर ने आपके लिए दिया और राइट आर्टिक, आर्टिकल का नाम देखें क्या है टाइटल क्या शाथ ए न्यू डील फॉर ओल्ड सिटीज ए न्यू डील फॉर ओल्ड सिटीज तरीक़ा ये है, मतलब ये है कि जो पुराने ज़माने के शहर हैं पेन शहर तुम कृप पक नए सर प्लान कर ठीक कराजकि पुरानी शहरों बेशुमारबदी घमु बे बशमार प्रॉब्लम्स खड़ा गम्स तो सैनिटेन छह सफी चुन प्रॉब्लम्स पबलम्स गंग गली तो इसके लिए नया तरीक़ा क्या है तथि पे कथ कर मेन टॉपिक मगर तुझान यह बोड़ आर्टिकल यहाँ पर भी है दैन टर्न द पेज एंड इट्स शेयर एक लंबा आर्टिकल है एंड इट्स एंड शेयर तो द आर्टिकल इज़ रिटन बाय जी आनन्त द हिंदू थर्टीन दिसंबर टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड फाइव में थर्टीथ दिसंबर के दिन द हिंदू अखबार जो है न्यूज़पेपर जो है उसमें ये शाया हुआ था उसमें ये पब्लिश हुआ था तथा मज़े आर्टिकल छपेमुत इम्पोर्टेंट तो वो चुचान अलरेडी अच्छा टाइटल एट न्यू टील फॉर ऑल सिटीज ठीक है पुराने शहरों के लिए नई प्लानिंग तो मगर हेच्चु क्या चाहिए जो आपको सीखना है दैट इज सब टाइटलिंग आप देख सकते हो ऊपर सब टाइटलिंग सब टाइटल मतलब गोड आटिकल पब टाइटल लकट ह हडिंग क्या के अक्सा समझ कह बनान अलग अलग पार्टस् पार्ट उस युक खास प्लानिंग सॉपिक सहित डील कारण तो तक पे अलग नाव तरह आटिकल दर पब टाइटल तक अलग अलग नाव मज पड़न आसान मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें समझ तुव तुर्च जग्राफी टॉपिक ना ठीक गोच्च पकस क्या क्यूँ डप क्या कह बनान् कीज प स स सब टाइटल इथ य सब टाइटल सब टाइटल गोसा सब हडिंग गो लकट हेडिंग अलग अलग पुत रॉक्स आफ र अ सब हेडिंग पगनियस रॉस तथा डिस्कराइब कर सकल पेखा मेटामार्फिक ये ब्या सब टाइटल तथ लास्ट पेखा क्या ना सडमट्री रॉस यानि पे कमच टाइटल जो पूरा टाइटल है लेसन टॉपिक का उसका हम नाम रखते हैं रॉसस लेकिन फिर सब टाइटल देते हैं ताकि बच्चों को अलग अलग समझ आए तो उसमें हम क्या करते हैं रॉसस के अलग अलग टाइपस देते हैं इग्नियस मेटामॉर्फिक सडमेंट्री है ना या अगर हमारा टॉपिक है प्लांट्स कुल कुछ दुनिया तो वेजिटेशन मज वजिटन दिस वेजिटेशन इज डिडिड इन टब हेडिंग अलग कहान ट्रीज गई सब हेडिंग पत्जस तक खत्म लकट प्लान्टे पे बुशस तुम्हारे ठीक है ना तो ये हम देखते हैं इसके लिए अलग 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 सब हेडिंग्स होते हैं यहां समझ क्या चीज आसान ग तो यहां से हम पढ़ते हैं आज क्या अव द पर्पज आफ दर्प सब टाइटलिंग टे दिया थम आफ इच टाइटल टाइटल आर्टिकल्स या सबकस या टॉपिकस नाव लेकिन उसके बाद सब टाइटलिंग क्यों करते हैं अब अलग पार्ट, अलग पार्ट्स पार्ट पाट्स अलग अलग नाव थ मूजूब थावान कि अमझ कि उस से सबको अतम क्या लिखित यह कतलिख सेक्शन ऑफ द लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग अगर कोई लंबा पीस है लॉन्ग टॉपिक पलग अलग अलग टुक्र अलग अलग सेक्शन कस जरूरी कथा सोरी टॉपिक मेन टॉपिक अकुस मगर अलग अलग इथान मे वन तथा अगर रॉक्स मुतल परान सब सेक्शन अलग अलग बना से रॉक्स इथे पे मेटामॉर्फिक रॉक्स या इग्नियस रॉक्स रॉस पा डिस्क्रिप्शन कर

सुबह अच्छे याद रहा सुबह सेक्शन पारा ना चुक जूठिक मज़ुन बहुत सुबह स्टार्ट इस मुश्किल गसान तो अब यहां पर एक आर्टिकल आपके लिए रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल बिलो एंड डू द टास्क दैट फॉलो तो सबसे बड़ी बात है पहले हम देखेंगे ये जो टॉपिक है मेन टॉपिक है न्यू डील फॉर ओल्ड सिटीज ठीक है मैंने आप पहले ही समझाया टाइटल नो तरीक़, नो प्लानिंग पान शहरन हज़ि सोरी बने पान शहर आबदीच बेशुार्च तो इस पे इटेलिक्स ये ये सेक्शन जो है इसको आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की ये लास्ट में आएगा तो फिलहाल हम यहाँ आते हैं तो स्टार्ट है टॉपिक कैसे आर्टिकल स्टार्ट होता है मैनी स्टीज इन इंडिया एक्ूरेटली मिरर फ्रेडरिकेंजल्स डिस्क्रपशन आफ अटर्स इन नाइनटीन सैनचुरी इंग्लैंड इवन टोडे आजकल के जो हमारे पास इंडिया में जो सिटीज हैं उनकी डिस्क्रिप्शन फ्रेडरिक एंजल्स जो सक बोडबार राइटर उपन्यासक बे कम्युनिस्ट ओस सोस द पान किसपच इंसानन पेटमन शहरन में जुल्म गसान अमीर लोग गरीबन दबावान तेन मेहनत थवान इन गरीब लोकी मज़ूर लोकी छ दुनियास में पौस्ते पोद कारण प्रथक कैपिटलिस्ट कैप्टलिस, पोद कारण मगर फायद् सोरी अमीर लूक वाता बड़े बड़े अलीशान कोठियन मज़ान बंगलन मज रोजान और वो गरीब जो पैसा कमाते हैं जो फैक्ट्रियां चलाते हैं जो ज़रात कमाते हैं उनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है तो नाइनटीन सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो शहरों के हालात बहुत ख़राब थे तो हमारा जो राइटर है वो यही कह रहा है कि आजकन इंडियन शहरन हालात हालत तिथी ये नाइन्टीन सेंचुरी में ख़राब हालात उस इंग्लैंड के शहरन हंद ये ुर्बत ईन लक्टेन मोजूरन लूकन खरी तिमन नश ग्य कह सफ नु कह वो लोग उसी में मरते थे तो आप देखो फ्रेडरिक फ्रेडरिकेंजल्ज ने उस वक्त शहरों के बारे में क्या लिखा था स्ट्रीट्स दैट आर देहां पे है ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स स्ट्रीट्स दैट आर जनरली जन्रली उन शहरों की जो स्ट्रीटस थी गलियाँ थी अनपेवड ग खाम मेच मच बना तिन्न सीमठ कर क्या टल लागत कह हाँ पेवड गो टाइल लगा कर ये कच्चा हो खामो रफ रफ गंदी थी वो गंदी विद वेजिटेबल उनमें सिर्फ गंदगी लालाकर डाली एनिमल रिफ्यूज़ तो चारवान हूँ यह झोट सो तब् विदाउट सीवर्स और गटर्स तो ये गंदगी बगैर शाह मे दूर करटर बन कम शहर अंद् जमीन तल वो नहीं थे बट सपलाड व इनस्ट इस बजाये क्या था नाल बजाय शहर मज़ाय बड़ बन मे आब ते जमाम शहरों गंदगी गंद वाटर उस दबन मज़ ग तो तेज उस मुश्किल गटकार वाथान यहन नाइनटीथ सैनचुरी इंग्लैंड कहरन हन दल कि बु हालत धर् रोट एनजल लिविंग कन्ंडशन आफ द वर्किंग क्लास इन देट कंट्री तो उसको बहुत अफसोस होता था फ्रेडरिक एंजल्स को ये वो उस कि शहरान में ये पोस यस करान चुछ जो प्रॉफिट कमाते हैं जो दुनिया में दौलत पैदा करते हैं और वही लोग सबसे बुरे हालात में रहते हैं तो अब फिर अब कुछ कंडीशन लिखी हैं शहरों की वजह क्या है तथम से कि सब टाइटल और बंदी की गो सब टाइटल एक हिस्सा हम देखेंगे ये कहाँ तक जाएगा एक ही आपके लिए किया है बक पान कर सब टाइटल दिन फिलहाल वो गोक फीस कौन गॉपिका आमुद्स आफ अज दिएट प्लेग नाइनटी नाइन्टी फोर इन सूरत हिंदुस्तान में शहरों का जो बुरा हाल हमने देखा सो ब्रोह कह आज ये प्लेग यल नमूनिया प्लेग गई स्टार्ट सूरत शहर मज़ गुजरात के सूरत सरत शहरस मज़े सनमत मज़ एफ्टाइज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और उससे ज़ाहिर हो गया कि हुकूमत की नाकामी है इंडे... पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा क्या होता है आज़ादी के बाद का टाइम मिसाल आज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा चला चलाना कुश सतम गो इंडिया आज़ाद तत्प यौकन उस टाइम आज चालान इसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं और जो उससे पहले था उसको प्री इंडिपेंडेंस कहते हैं प्रे हो गया पहले पोस्ट हो गया बाद में एंड एक्सपोज डेवलपमेंट पॉलिसीज़ दैट दैट इग्नोर्ड फंडामेंटल पब्लिक हेल्थ इशूज और ये भी दिखाया कि गवर्नमेंट ये शहर मे डेवलपमेंट करा चुजैदी जरूरत मजबूरी हंद चीज तुम्हु ख्याल था फंडामेंटल को बुनियादी जो चीज़ है पब्लिक हेल्थ अवाम की सेहत का कोई ख्याल नहीं रखते हैं शहरों का स्ट्रक्चर बनाते वक्त इश्यूज़ इन हेरोटेड फ्राम कलोनीियल रूल और ये वही है कलोनियल रूल हो गया अंग्रेजों की हुकूमत और ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से आ रही इनहेरिटेड इनहेरटेड नसल दर नसल मल सिंध नीचा नीचे अंग्रेज हुकूमत पे ने ह्योचमुत तो ये करान तथा सुधार आना शहरी सिस्टमस द देट फ्रॉम द सूरत पब्लिक हेल्थ डिजास्टर तो हमें राइटर ये कहते हैं देर इज लिटल एविडेंस कोई छोटा सा बहुत कम सबूत मिलता है कि जो हकूमत के पॉलिसी मेकर्स हैं यु शहर प्लानिंग से तिम्च कबक़ा नोत सूरत ट्रेजडी पे सूरत तो मे शुमार लूख मे नमूनिया तो आज भी उसका कोई हम ये कहेंगे कि कह तक असरा गारमेंटस पे पे कह पे शहर हिंदु तथा खराब स्टेट एंड म्यूनसपल गवर्नमेंटस डिड नॉट पर्स्यू रिफॉर्म इन वेस्ट मैनेजमेंट स्टेट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या म्युनिसिपल गवर्नमेंट म्युनिसिपल गवर्नमेंट क्या आसाम छ म्युनिसिपल गवर्नमेंट गौ टाउनन या शहरन मध्यम ادار મે નોટિફાઇડ એરિયા કમિટીયા મે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નિયમ શહેરન ટાઉનન હો નજમન ના સક્યાલાવાન છ ઇસપર ચીત કપુર સ્મર્ચુ સનગર શહેર સોપો છ ઇમ ખતપક્ષ લોકલ બોડીસ દીવાનાન તો યે ગવર્નમેન્ટ કોઈ ખ્યાલ નહીં કરતે કોઈ રિફોર્મ નહીં કરતે હે ઇન્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ એટલે શહેરન સોટને આરામ છ ઉસકો હટانے મે કોઈ કામ નહીં કરતે મે આપકો એક્ઝામ્પલ બતાઉંગા ਪਪਾਰਾ ਟਾਊਨ ਉਸਮਸ ਯੂਤਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਦੋ ਹਸਨੇ ਆਰਾਂ ਚ ਟਾਊਨ ਲੋਕ ਤੈਗਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਗਸਨ ਕੋਤਾ ਗਾੜੀ ਵਾਦ ਆਸਨੇ ਆਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਗਾੜੀ ਆਸਨ ਡੇਲੀ ਨਿਹਰਾਨਮ ਪਤ ਕੋ ਛੀਮ ਨੇਮਾਨ ਸਫਿਸ਼ਤਾ ਪਰਤਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾ ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲੀਆ ਪਰਸ ਨੋ ਬਾਈਪਾਸ ਕੋਡ ਮਚੋ ਤਾ ਦਰੀ ਅਬਟ ਹਸਪਿਟਲ ਆਵਨ ਸੋ ਸੋਰੀ ਮਕਰਿਆ 44 ਜਾਨਵਰ प्रथ का जहाँा तथ आबस तो गंदगी देर रहा आसान बेच आबस में रल आसान ये आब छलन छकन खातर चलो खा पीने के लिए अगर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं मगर नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी की कमी है तो ये हो रहा है इसके बजाय अगर यही जो गंदगी है इसको कहीं दूर आबादी से दूर ले जाकर जंगल में किसी नाड़ में डालते तो इतनी तबाही नहीं होती लेकिन नहीं वहाँ से निकालते हैं उधर ही पास में ला फिर पानी में डालते हैं तो ये हाल है हमारा अच्छे मनाना मिसमेजमेंट तो नहीं करते हैं तो हमने देखा ये अच्छा दो सिविक कंडिशन इन सूरत इट् सेल्फ अंडर चेंज इन द्लेग आफटर मैथ हाँ सिविक कंडिशन वहाँ पर रहें सिविक कंडीशन मतलब गोजनिक हालत तुम हम से गई पेंज हन हन आफटर मैथ गो ए वबा पत् प्लेग गो वा जूरिंग द पा डिकेट पे दर पा डिकेट प डिकट गो दह वरी सैनचुरी गो हथरी तो ला पिछले दस साल में इसको उर्दू में दहाई भी कहते हैं मैनी सिटीज़ फर सपमेंट एजेंडाज हंदोस्तान के बहुत से शहरों में भारत के बहुत से शहरों में डेवलपमेंट एजेंडा तैयार किया कि सरकार है कि वह डेवलपमेंट नए आय बनाओ प्लानिंग करो अगर हम गौर करेंगे इंडिया में मुझे लगता है यहाँ पर चंडीगढ़ एक शहर है यहाँ प्लानिंग प्लान हिसाब से बना खल बना हेल्प ऑफ मैसिव इंटरनेशनल लोनज़ तो बे बड़ बड़ लो आये तुल्व um, क्या वर्ल्ड बैंक बैठी ये दुनिया में लोन दिवस के शहर सुधार तो प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया माडर्नाइजेश पान शहर हाई माडर्नाइज प्लानिंग एट दास्ट आफ बेसिक सिविक रिफॉर्म तो हमको जी बुनियादी सिविक रिफॉर्म करना Uh, वो किया गया लेकिन बुनियादी सिविक रिफार्म अवा खु बुनियादी चीज आज करें तम कर बड़, बड़ कर मगर ये लूख रोजान् तिंद तो ठीक कह कदल बनाए बड़ बड़े फार uh, ये मेट्रो रेल कर स्टाट शहरन मज पार बनाक प्ले ग्रोन्डस बनायक एरो ड्रोम्ज बना इोटस बनायुक मगर युम रोजान्ाम मुश्किल कम कर खर तो ये हम तमाशा तो देखते हैं कि क्या हाल किया हुआ है देयर इज़ दस बिफोर द करंट मिशन टू इबल एंड ऑल्सो कम्फेल लोकल गवर्नमेंट टू अबाइड बाय द बाय द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बाई विच दे आर लीगली बाउंड तो लिहाजा एक बहुत ही मुश्किल काम है और चैलेंज है कि कथ प शहरन हूँ गंदगी न सॉलिड वेस्ट वगैरह क्थ पोन साफ क्या तरीका करो तरीका ये तुक कह गंदगी गंदगीगी दूर शहर गाफ तला ग सॉलिड वेस्ट यु मजि मैनेज मतलब गा गि सही इस्तेमाल यह मा हे रिसाइकल गा कर इस्तेमाल बजाय यह कर शहर के मज या साइड क्यों जाए डर तो और गंदगी फैलें ये नहीं करना है तो डर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पार्ट खत्म होता है ये मैं ये वो सेक्शन हालांकि मेन टॉपिक सी एंड न्यू डील फार्ड सिटीज मगर अीजा वे अजूदा हालात क्या शहर हंद अर्बन डी के पानी शहर मॉबल कत एक हमने देखा तो इनशा नैक्स्ट लैसन में टॉपिक मेंचर में हम इसका सेक्शन टू करेंगे हम यहां पर मैंने खुद ही आपके लिए टू सेक्शन बनाया है तो इसमें हम देखेंगे अव सब हैडिंग क्थ पक त्रम त्रिम सेक्शन ये अलग हम नश क्या नाव सब हेडिंग इथ सेक्शन अत क्या था सब हेडिंग सब टाइटल क्या बना इथ पे बड़स आर्टिकल बड़स पीस ऑफ राइटिंग बड़ा पीस ऑफ राइटिंग है हाउ वी कैन डिवाइड इट इन डिफरेंट सेक्शन सूटेबली डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट उसमें क्या लिखा है एंड देन गिविंग इट ए सूटेबल सब टाइटल तो एक छोटा छोटा टाइटल उसको देंगे ये तरीक़ा है तो इन कल देखेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में